बाइक्स के पीछे लदे लाल काले पीले डब्बे, जिस कलर के डब्बे उसी कलर के कपड़े, देश का बड़ा शहर हो या छोटा, ऐसे बाइक्स वाले आपको सड़कों पर नजर आ ही जाते हैं। कौन है ये, क्या करते हैं, इसका जवाब शायद आप जानते होंगे। फिर भी हम आपको बता रहे हैं, ये वही डिलीवरी बॉयज हैं जो आपकी होम डिलीवरी की नीड को पूरा करते हैं। चाहे अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो, स्विगी हो या फिर जोमैटो, यानी किसी भी तरीके की होम डिलीवरी को आप तक पहुंचाते हैं ये डिलीवरी बॉयज। धूप, बारिश या फिर सर्द रात, इन सब को नजरअंदाज कर आपके एक ऑर्डर पर आपकी सेवा में जुट जाने वाले इन डिलीवरी बॉयज की वजह से कंपनियां दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करती हैं। लेकिन इन डिलीवरी बॉयज का क्या, एक ऑर्डर पर 20 से 40 रुपए कमाने वाले ये डिलीवरी बॉय महीने में कितना ही कमा पाते होंगे, क्या होता होगा इन डिलीवरी बॉयज का भविष्य, किन लुभावने ऑफर्स को लेकर कंपनी इन्हें अपने साथ बांध कर रखती है, ये जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। अमेज़न का बिजनेस पार्टनर बने और महीने का 60,000 तक कमाए, फ्लिपकार्ट में 45,000 रुपए की वैकेंसी शुरू, ऐसे विज्ञापन आपने ऑनलाइन और शहर की दीवारों पिलरों पर जरूर देखे होंगे। लेकिन क्या वाकई में डिलीवरी बॉयज को इतनी सैलरी मिलती है? तो जान लीजिए, इन लोगों की किसी भी तरह की कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है, इन्हें हर ऑर्डर को पूरा करने के पैसे दिए जाते हैं। जहाँ तक जोमैटो और स्विगी की बात है, इन्हें हर ऑर्डर के लिए 20 से 40 रुपए मिलते हैं। इसके बावजूद भारत में 10 लाख से अधिक डिलीवरी बॉयज हैं, यानी कि अगले 3 से 4 सालों में संख्या 80 लाख से 240 लाख तक हो जाएगी। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि कड़ी मेहनत और कम कमाई वाले इस फील्ड में ऐसा क्या है कि डिलीवरी बॉयज की संख्या बढ़ती जा रही है। कंपनियां इनको ऐसे कौन से सपने दिखाती हैं कि तमाम परेशानियों के बाद भी डिलीवरी बॉयज इस काम में जुटे हुए हैं? इन सवालों का जवाब हम देंगे, लेकिन उससे पहले इस काम के इतिहास और फ्यूचर प्लान के बारे में थोड़ा और विस्तार से जान लेते हैं। अगर आप मुंबई से हैं तो डब्बे वाला के बारे में आप जरूर जानते होंगे। 125 साल से पुराने इस सर्विस के जरिए आज मुंबई में 5,000 डब्बे वालों के जरिए तकरीबन 2 लाख लोगों को रोज खाना डिलीवर किया जाता है। हालांकि ये ऑफलाइन सर्विस है, लेकिन भारत में देश की पहली ऑनलाइन सर्विस की बात करें तो देश की पहली शॉपिंग वेबसाइट खुली थी साल 1999 में। इस कंपनी का नाम था फैबमार्ट। उस दौरान भारत में इंटरनेट सेवाएं सभी लोगों तक नहीं पहुंची थी, तो फैबमार्ट पूरी तरह से फेल हो गया। लेकिन फैबमार्ट के जरिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट देश के सामने आया था। फिर जब इंटरनेट लोगों तक पहुंचने लगा तो ई कॉमर्स कंपनीज ने मार्केट में पैर पसारना शुरू किया, जिसमें अमेज़न और फ्लिपकार्ट इस रेस में सबसे आगे रहे। जब डिलीवरी सिस्टम का विकास हुआ तो इन कंपनीज में प्रोडक्ट की डिलीवरी कराने के लिए डिलीवरी बॉयज की जरूरत बढ़ने लगी, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ते गए। अमेज़न और फ्लिपकार्ट की सक्सेस को देख खाना परोसने वाली कंपनियां मसलन स्विगी और जोमैटो ने भी ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम में अपने हाथ आजमाए। फिर इस क्षेत्र में भी डिलीवरी करने वाले लोगों की मांग बढ़ने लगी। लेकिन जहाँ डिलीवरी करने वाले लोगों की मांग बढ़ी है, वहीं जोखिम भी इसी नौकरी में बढ़ा है। कभी डिलीवरी बॉय को पीटे जाने की खबरें सुनने में आती हैं, तो कई ऑर्डर पर पेमेंट देने की आनाकानी होती है। डिलीवरी वर्क में इस तरह के तमाम जोखिम समय समय पर आते ही रहते हैं। इस काम का एक नेगेटिव पहलू ये भी है कि इस काम का कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि इस काम को करने वाला ना तो कुछ सीख पाता है, ना ही सैलरी उतनी अच्छी होती है, और करियर ग्रोथ भी कुछ नहीं है। और जब एक नौकरी में इतनी परेशानियां हैं, तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इस जॉब को करने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती क्यों जा रही है। इस बारे में जानेंगे, उससे पहले ये जान लेते हैं कि डिलीवरी बॉयज की सैलरी कितनी होती है। इस वीडियो में शुरू में हमने एक अंदाजे से बताया है कि एक डिलीवरी बॉय को हर ऑर्डर के लिए 20 से 30 रुपए मिलते हैं। अगर हम इसे एवरेज 25 रुपए माने, तो अगर एक डिलीवरी बॉय एक दिन में 30 ऑर्डर्स पूरे करता है, तो उसके पूरे दिन की कमाई 750 रुपए होती है। वो पूरा महीना इसी एवरेज से काम करता है, तो उसकी महीने की कमाई 22,500 रुपए होती है। वहीं अगर कंपनी रिव्यू की साइट एम्बिशन बॉक्स की माने, तो उसके मुताबिक किसी भी डिलीवरी बॉय की एवरेज ईयरली सैलरी करीबन 1.5 लाख होती है। इसे हम महीने की सैलरी में तब्दील करते हैं तो ये तकरीबन 12,500 रुपए की है। हालांकि हर कंपनी की सैलरी अलग अलग होती है, साथ ही कई कंपनियां अपने डिलीवरी बॉयज को बोनस भी प्रोवाइड कराती हैं। अगर बात करें फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय की सैलरी की, तो कंपनी ने इसमें दो ऑप्शंस रखे हैं। पहला ऑप्शन फिक्स सैलरी का होता है, जो कि 10 से 20,000 रुपए का होता है। वहीं दूसरा ऑप्शन पर पैकेट पेमेंट का होता है, जहाँ हर डिलीवरी के लिए एरिया के मुताबिक 14 से 25 रुपए का पेमेंट किया जाता है। एक राइडर पूरे दिन में तकरीबन 40 पैकेट डिलीवर कर देता है। इस तरीके से फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय एक दिन में एवरेज 500 से 600 रुपए कमाता है, जो कि महीने का 15 से 18,000 रुपए होता है। वहीं अमेज़न अपने डिलीवरी बॉय को हर ऑर्डर पर महज 19 रुपए देता है,
यानी अगर वो हर रोज 40 ऑर्डर्स पूरे करता है तो उसके पूरे दिन की कमाई 760 रुपए होती है। इस हिसाब से उसके पूरे महीने की कमाई 22,800 रुपए होती है। ज्यादातर सभी कंपनियों के पर ऑर्डर यही रेट तय है। इसका मतलब शायद किसी डिलीवरी बॉय के महीने की सैलरी 40,000 से 50,000 तक पूरी होती होगी, जैसा कि कंपनियां अपने एड में बताती हैं। अमेज़न और फ्लिपकार्ट में जहां बिना कुछ इन्वेस्ट किए पैकेट डिलीवरी करने का काम मिल जाता है, वहीं जोमैटो और स्विगी में डिलीवरी बॉय बनने से पहले पैसे देने पड़ते हैं, जिसे कंपनी सिक्योरिटी के तौर पर रखती है और जॉब छोड़ने के बाद इसे लौटा दिया जाता है। इन दोनों कंपनियों में हर डिलीवरी का 20 से 60 रुपए पेमेंट मिलता है। इसके अलावा एक तय पेमेंट के बाद उन्हें इंसेंटिव मिलते हैं। इन दोनों कंपनियों में अगर फुल डे यानी 10 से 12 घंटे काम किया जाता है तो 15 से 20 ऑर्डर मिल जाते हैं। यानी एवरेज लगाकर चले तो एक डिलीवरी बॉय की एक महीने की कमाई 25,500 रुपए के आसपास होती है। इसके साथ अगर इंसेंटिव जोड़ लिया जाए तो एवरेज कमाई करीब 30,000 रुपए हो जाती है। इसके अलावा डिलीवरी बॉयज को पिक आवर्स, वीकेंड्स, फेस्टिवल्स और बारिश के मौसम में अलग अलग इंसेंटिव दिए जाते हैं। वहीं तय दूरी के बाद अगर फूड डिलीवरी करनी पड़ जाए तो हर किलोमीटर का 5 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज मिलता है। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि डिलीवरी बॉयज को बाइक की मेंटेनेंस और पेट्रोल का खर्च कंपनी की ओर से नहीं दिया जाता है। इसके अलावा दोनों कंपनियों में इंसेंटिव कट का भी रूल है, यानी कि अगर स्विगी में इंसेंटिव लॉग ऑन करने के बाद अगर समय से पहले लॉग ऑफ कर दिया जाता है तो उसके पूरे दिन का इंसेंटिव काट लिया जाता है। वहीं जोमैटो में ऐसा करने पर उन्हें पूरे दिन की पहली इंसेंटिव दी जाती है और आगे मिलने वाली सारी इंसेंटिव काट ली जाती है। एक मुहावरा है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह इस काम के भी फायदे और नुकसान हैं। लेकिन अगर सारे पहलुओं पर गौर किया जाए तो इसके नुकसान ज्यादा है, क्योंकि इस काम में हर तरीके का रिस्क है, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में आपको बता चुके हैं। इसके अलावा इस काम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जिस दिन आप बीमार हो जाते हैं तो आपकी कमाई पूरी तरीके से बंद हो जाती है। साथ ही आप अपने हक की लड़ाई कागजी रूप से भी नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि इस काम को ज्वाइन करने पर आपके साथ किसी तरह का पेपर वर्क नहीं होता है जिसके आधार पर कंपनियों की मनमानी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी जा सके। इतने सारे नुकसान के बाद अब बात करते हैं इस काम के फायदे की। इस काम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप पर किसी तरह का जॉब का प्रेशर नहीं होता, यानी आप खुद के मालिक होते हैं। काम का कोई फिक्स आवर भी तय नहीं होता। साथ ही इसको करने के लिए किसी बड़े या प्रोफेशनल डिग्री की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि महज 10वीं पास होने पर भी आपको ये जॉब बड़ी आसानी से मिल जाती है। इसलिए बड़े शहरों में कॉलेज गोइंग बॉयज एंड गर्ल्स भी इस काम को करते दिख जाते हैं। आपका सामान आप तक ही सही समय पर पहुंच सके, इसके लिए डिलीवरी बॉयज मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन असल में इस काम में चैलेंज बहुत है। अब अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों।